सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, यहां पे आप लोगों के लिए टेट परीक्षा से जुड़ी हुई एक बहुत ही अच्छी खबर है। अब देखिए, डेट जो है परीक्षा की यूपी टेट की कहीं ना कहीं क्लियर हो रही है। अब देखिए, यहाँ पे जैसा कि न्यूज़पेपर में आज दिया गया है कि यूपीटीईटी 23 जनवरी को कराने की तैयारी पूरी। अब इस खबर को हम लोग विस्तार से जानते हैं, फिर इसका निष्कर्ष हम लोग निकालते हैं। तो देखिए, पेपर लीक के कारण 28 नवंबर को निरस्त हुई उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी अब 23 जनवरी को प्रस्तावित है। तो जो परीक्षा 28 नवंबर को निरस्त हो गई थी पेपर आउट होने के बाद, अब वह परीक्षा कब होनी प्रस्तावित है? 23 जनवरी को। अभी प्रस्तावित है, अभी पूरी डेट क्लियर नहीं हुई है। अब आगे पढ़िए तब आपको समझ में आएगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। अब अभी देखिए, 23 जनवरी का प्रस्ताव भेजा गया है पीएनपी की तरफ से। इसी के साथ दिसंबर में टीईटी कराने की अटकलें भी समाप्त हो चुकी हैं। सरकार ने एक महीने में परीक्षा कराने की बात कही थी। परीक्षा नियामक की ओर से जो तिथि तय की गई उस पर सरकार की मुहर लगनी तय मानी जा रही है, क्योंकि परीक्षा जल्द से जल्द कराने का जोर है। टीईटी केंद्रों के परीक्षण और के बाद केंद्रों की संख्या 15% तक कमी होने की उम्मीद जताई जा रही है। शासन ने डीएम को निर्देशित किया है कि अच्छी ख्याति के स्कूलों को ही केंद्र बनाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अब जो है दिसंबर में, जैसा कि शुरू में बताया जा रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया था कि एक महीने के अंदर परीक्षा करा ली जाएगी, लेकिन वैसा संभव नहीं हो पाया क्योंकि बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। इसी में सचिव भी चेंज हुए हैं और इसी में आप लोग के जो पेपर्स होते हैं उनको छपने के लिए एजेंसी का भी गठन करना है, केंद्रों का भी पुनः निरीक्षण करना है, सभी चीजों का निरीक्षण करना है। इन सभी तैयारियों में वक्त लग रहा है। 23 जनवरी को प्रस्ताव दिया है पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने कि 23 जनवरी को परीक्षा कराई जाए। अब इस पे सरकार की मुहर लगना बाकी है। तो कहीं ना कहीं आप यह समझिए कि हर एक न्यूज जो आई है वह 20 जनवरी के बाद, देखिए, हो सकता है यूपी टीईटी का आयोजन और यूपीटेट जनवरी के चौथे हफ्ते में संभावित। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, जो जनवरी का लास्ट वीक है उसी में कहीं ना कहीं आपका टेट की परीक्षा होगी। और 23 और 30 ये दो डेट संडे की पड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं 23 या 30 में जो है वह परीक्षा आपकी करा ली जाएगी। तो उम्मीद है कि 23 जनवरी या 30 जनवरी को आपकी यूपी टेट, इन्हीं दो डेट में से निश्चित रूप से आप किसी एक डेट पे परीक्षा कराई जाएगी, या तो 23 जनवरी को या फिर 30 जनवरी को। तो ये दो डेट, इन्हीं दो डेट को आप मान के चलिए और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाते हुए आप लोग चलिए। आप लोग को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोग की तैयारी अच्छी हो गई थी उन लोग को अपनी तैयारी बनाए रखनी है, रोज रिवीजन करते रहना है, और जिनकी तैयारी नहीं हो पाई थी उनके लिए यह अच्छा मौका है। अपनी तैयारी को आप बेहतर कर लीजिए और बहुत ही अच्छे ढंग से इस बार आप परीक्षा दीजिए। ठीक है, तो 23 जनवरी और 30 जनवरी आप परीक्षा तिथि मान के चलिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी जो प्रशिक्षु हैं, सभी भाई बहन जो हैं जिनको यूपीटेट देना है, सभी को यह खबर पता चल सके। और दोस्तों, सभी जो क्लासेस हैं उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पे जाकर के आप सभी क्लासेस को कभी भी अटेंड कर सकते हैं, कभी देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो क्लासेस को आप जरूर देखिएगा। हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपको विषयों को पढ़ाया गया है जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो पाए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी क्लासेस आने वाली हैं वह आपको समय पर मिल पाए, जैसे ही क्लास आए आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।